नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा अगले महीने यानी 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह जस्टिस रंजन गोगोई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई दीपक मिश्रा ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश भी कर दी है। अब जब दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं तो उनकी अध्यक्षता में जिन मामलों को सुना गया है उन सभी में 1 अक्टूबर तक फैसला आ जाना चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जिन पर इसी महीने में फैसले आने की उम्मीद जताई जा रही है। जिन फैसलों का लोगों को बेसब्री से इंतजार है उनमें राम जन्मभूमि से जुड़ा एक मामला है, तो वहीं प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर भी फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले बात करते हैं अयोध्या से जुड़े एक हिस्से के फैसले के बारे में। दरअसल केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार होने की वजह से पार्टी पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का दबाव लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन राम जन्मभूमि के मालिकाना हक का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसकी वजह से बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन इसी से जुड़े एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ये फैसला है 1994 के KM फारूकी के फैसले को बड़ी पीठ को पुनर्विचार के लिए भेजने की मांग का। KM फारूकी फैसले में 5 जजों की पीठ ने कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, नमाज मस्जिद के बाहर भी पढ़ी जा सकती है। मुस्लिम पक्षकार का मानना है कि इस फैसले का असर राम जन्मभूमि के मुख्य मुकदमे में भी पड़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला है प्रोन्नति में आरक्षण का। SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाने की व्यवस्था देने वाले M. नागराज के फैसले पर पुनर्विचार की मांग को लेकर सितंबर में ही फैसला आने की उम्मीद है। इस मामले में सरकार और आरक्षण समर्थकों का मानना है कि पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाने का फैसला सही नहीं है क्योंकि SC/ST अपने आप में पिछड़े माने जाते हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षित तबके के संपन्न लोगों के बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। एक और बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है जो नेताओं से जुड़ा है। राजनीति में बढ़ते आपराधिक छवि वाले नेताओं के दखल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अहम हो सकता है, जिसमें गंभीर अपराध में आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा भी कुछ अहम मुद्दे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट इसी महीने में फैसला सुना सकता है। इनमें सांसद और विधायकों को वकालत करने से रोकने की मांग, दाऊदी बोहरा महिलाओं के खतना कराने की प्रथा पर रोक, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, समलैंगिकता प्रमुख है।